हाय, आप देख रहे हैं माय एजुकेशनल वीडियो हिंदी यूट्यूब चैनल। टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी को कौन नहीं जानता। स्टार प्लस के शो ये है मोहब्बतें में सौतेली माँ का किरदार निभाने वाली दिव्यांका का ये किरदार लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। 15 अगस्त के दिन चंडीगढ़ में 12 साल की बच्ची के साथ हुई रेप की घटना से दिव्यांका त्रिपाठी इस कदर आहत हुई कि उन्होंने बेटियों की सुरक्षा की गुहार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगा दी है। दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि देश में बेटी बचाओ की जगह बेटियों को बचाओ की ज़रूरत है। दिव्यांका ने पीएम मोदी को एड्रेस करते हुए उन्हें अपने स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के बलात्कारी रूपी कचरे को हटाने की मांग कर दी है। इस घटना के बाद दिव्यांका इतनी परेशान हो गई है कि उनका कहना है कि बेटी को जन्म नहीं देना चाहती। ऐसे हालात बन चुके हैं कि दिव्यांका की क्या हर बेटी के माँ बाप ही यही चाहते होंगे। बता दें कि चंडीगढ़ में एक 8 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। 12 साल की बच्ची स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के खत्म होने के बाद शॉर्टकट रास्ते से अपने घर जा रही थी और इसी बीच एक शख्स ने चाकू से बल पर उस बच्ची का रेप किया। दिव्यांका ने लिखा है कि हमें ऐसे जघन्य अपराधों के लिए कड़ी सजा नहीं दे सकते। एक और बलात्कार, हम कौन सी स्वतंत्रता की ताकि बात कर रहे हैं। अपने एक दूसरे ट्वीट में दिव्यांका ने लिखा, महिलाओं को हर पार्टी को वोट देना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वह उन्हें देश के लिए इतना कम जरूरी समझते हैं। हम बिना महिलाओं के ये बलात्कारी स्वर्ग में रहते हैं। दिव्यांका ने इसी दौरान पीएम मोदी को भी ट्वीट कर लिखा, प्रिय नरेंद्र मोदी जी, स्वच्छता अभियान के अंतर्गत इस रेपिस नामक कचरे से निजात दिलाइए। घरों में जी सकते हैं, इन भेड़ियों से डर के नहीं। धन्यवाद। आपने यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।